दोस्तों आखिरकार पता चल गया कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में क्यों हारा था, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी भारतीय टीम। जी हां, अगर आप भी जानना चाहते हैं पूरी न्यूज तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस चैनल में आपको क्रिकेट से रिलेटेड की अपडेट्स मिलती रहती हैं। दोस्तों ये बात तुम सब जानते हैं, इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में बहुत ही ज्यादा रोमांचक मुकाबला खेला गया था। हमें लग रहा था कि पाकिस्तान दूसरी बार वर्ल्ड कप को फाइनल उठा सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बेन स्टोक्स ने ऐसी पारी खेली जो कि इंग्लैंड को दूसरी बार वर्ल्ड कप को फाइनल विजेता बना दिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस मैच में जोस बटलर जो कि इंग्लैंड के कप्तान है, उन्होंने टॉस जीता था और उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया। जवाब में पाकिस्तान ने इतना अच्छा प्रदर्शन करके नहीं बताया, मात्र पाकिस्तान का एक या दो बल्लेबाजी अच्छे प्रदर्शन कर पाए थे, जो कि नंबर वन पे थे शान मसूद। शान मसूद ने 28 गेंदों में 38 रन की कमाल की पारी खेली थी और उनकी पारी के बदौलत ही पाकिस्तान मात्र 137 रन बना पाया था 8 विकेट के नुकसान पर। अगर इंग्लैंड को विजेता बनना था तो इंग्लैंड को बनाने थे 20 ओवर में 138 रन, जो कि इंग्लैंड के लिए काफी ज्यादा आसान थे, क्योंकि ये बात तुम सब जानते हैं इंग्लैंड के पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस और अग्रेशन वाले बल्लेबाज हैं, जिनमें नाम आते हैं जोस बटलर, बेन स्टोक्स और एलेक्स हेल्स का। वहीं जब बारी है इंग्लैंड के बल्लेबाजों की, तो इंग्लैंड के बल्लेबाज ने भी पावर प्ले में काफी ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी की। और बात करी जाए जोस बटलर की, तो जोस बटलर ने बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ बल्लेबाजी की थी। उन्होंने 17 गेंदों में 26 रन की बहुत ही अच्छी पारी खेली थी, लेकिन जोस बटलर के विकेट के बाद पूरा जिम्मा आ चुका था बेन स्टोक्स पर। बेन स्टोक्स आखिरी तक टिके रहे और इंग्लैंड को दूसरी बार विजेता बना दिया T20 वर्ल्ड कप का। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की हार की वजह फाइनल में सबसे बड़ी सामने आ चुकी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इतिहास गवाह रहा है, जब जब भी ग्रुप स्टेज में भारतीय टीम का किसी भी टीम के साथ मुकाबला हुआ है, वो टीम आज तक भी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल का विजेता नहीं बन पाई है। और ये बात तुम सब जानते हैं, सुपर 12 में इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला हुआ था, उस मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया था, और एक बार ये वापस से दोहरा चुका है इतिहास। दोस्तों आपको क्या लगता है, अगर भारत वाले ग्रुप में पाकिस्तान टीम नहीं रहती और इंग्लैंड वाले ग्रुप में रहती, तो क्या पाकिस्तान इस साल की विजेता बन सकती थी या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा।